बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तौफीक विद कुकिंग चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं मटर भुने हुए, और ये कैसे बनते हैं और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो यहाँ पे मटर लिए हैं, एक कप मटर, सूखे मसाले, कुटे हुए धनिया, नमक हसबे ज़ायका 1 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, मिक्स गरम मसाला 1 टीस्पून। और यहाँ पे मैंने चार टमाटर क्यूरी करके मैंने इनको पीस लिया है, चार टमाटर बड़े साइज़ के, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लहसुन अदरक। यहाँ पे मैंने दही ली है तकरीबन 2 टीस्पून, आप दही ना इस्तेमाल करें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने आधा नींबू भी लिया है और 2 हरी मिर्चें भी ली है और अदरक धनिया। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पे और उसमें ऑयल डाला है, तकरीबन 1/2 कप डाला है मैंने, आप ज़्यादा या कम कर सकते हो, मैंने ऑफ डाला है कॉक। तो अभी बनाना शुरू करते हैं। ऑयल हमारा गर्म नहीं होता तो तब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को आसान से मिल जाए। और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। और प्लीज़ मेरी जो वीडियो हैं आप शुरू से एंड तक देखिए प्लीज़। और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपने घरों में खुश रखे। अल्लाह पाक जो यूट्यूबर फैमिली है उनको भी खुश रखे, और जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी अल्लाह पाक खुश रखे, यूट्यूब को भी खुश रखे। अल्लाह पाक को कामयाब करें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, अपने बच्चों के नसीब अच्छे करें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, ये मेरी तह दिल से दुआ है आप लोगों को। हमारा जो लहसुन और अदरक था वो ब्राउन हो गया है तो अब इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे टमाटर थे वो बिल्कुल थोड़े से पक चुके हैं, उनका पानी खुशक हो गया है तो अब इसमें दही ऐड करेंगे। दही और जो मसाले हैं वो भी ऐड करेंगे। आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, टमाटर की क्यूरी डाली है, पेस्ट डाला है, और जो मसाले जो डलते हैं सब्जियों में मैंने वही डाले हैं मसाले, और मटर लिए हैं, नींबू लिया है, और धनिया धनिया पुदीना लिया है, और हरी मिर्चें लिए हैं। तो चलिए इनका पेस्ट जो है, पानी इनका खुश्क हो जाए दही का, तो फिर इसमें मटर ऐड करेंगे, ठीक है। ये सिंपल सी रेसिपी है और बड़े आसान से रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर में भी बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो ग्रेवी ने मसाला छोड़ दिया है तो चलिए इसमें मटर ऐड करेंगे। इसमें पानी भी एक कतरा नहीं डालना है, हमें एक कतरा भी पानी नहीं डालना है, वरना हमारे जो ये भुने हुए मटर है वो ख़राब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत टेस्टी और मज़े के बन, आप भी घर में ट्राई कीजिए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मैंने मटर को बॉयल कर दिया था पहले, 1 घंटा पहले। आप मटर को बॉयल कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो मटर है भुने हुए वो बिल्कुल रेडी है। मैं 10 से 12 मिनट पकाया है और टमाटर और दही का पानी खुशक हो गया है,
तो मैंने इनको ग्रेवी और ऑयल में इनको भुना है और इनको फ्राई किया है। आप लोग देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह कैसे अच्छे बने, टेस्टी बने हैं, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इनसे। और अल्हम्दुलिल्लाह भी बनाएं घर में, ट्राई कीजिए एक बार, तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसको नान से और या चपाती के साथ या ऐसे भी आप इसको इंजॉय कर सकते हो। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बने हैं। तो चलिए इनको डिश आउट करके फिर आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मटर मटर जो थी हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, मटर की भुने हुए मटर। तो आप देख सकते हो कैसे अच्छे बने हैं हमारे मटर, बहुत टेस्टी बने हैं और बहुत लजीज खुशबू आ रही है इनसे। आप इनको चपाती और नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो। अगर आप बच्चों को खिलाना चाहते हो तो आप इसमें मसाले कम कर सकते हो आप लोग। अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप देख सकते हो मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। तो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।